भी बड़ा वाक्य पेश नहीं है, ये उनकी पहले भी पोजीशन थी। अब उन्होंने ये कि खुलकर इजहार किया है, उससे बदबदगी थोड़ी सी बढ़ जाएगी, फासले कुछ और बढ़ जाए। एक बार फिर पूछने चाहे तो पूछ लें, टूट जाएगा। मैं आपको इतनी दफा वजाहत कर चुका हूँ, आप वही सवाल पर दोहरा रहे। जी सर, ख्याल करें। ठीक है, सीनियर अधिवक्ता हारून रशीद था हमारे साथ टाइम पर मौजूद थे, और उनका यही कहना था कि ये पहले से ही था इख्तलाफात, और अब बिलावल भुट्टो जरदारी ने खुलकर इस इख्तलाफ का इजहार कर दिया है, और नवाज शरीफ से के बयानिए से लातालुकी का इजहार उनकी जानिब से अब जरा खुलकर किया गया है। नाज़रीन को अपडेट करें, बिलावल भुट्टो की जानिब से तहलका खेज इंटरव्यू दिया गया है, जिसमें उनका कहना है कि फौजे क़यादत का नाम लेना नवाज शरीफ का ज़ाती फैसला है, इंतजार है नवाज शरीफ कब सबूत पेश करेंगे। पीडीएम के एजेंडे की तैयारी के वक्त नून लीग ने किसी शख्सियत का नाम नहीं लिया था। इसी हवाले से बात करने के लिए मुआविने खुसूस